देखो मेरी बात सुनो, मेरे लिए पहले भी आज भी आगे भी प्रथम राष्ट्र रहेगा ना मेरी पार्टी, ना मेरा परिवार, ना मेरे माँ बाप, ना कुछ। भारत का हाई जोश, पाकिस्तान के उड़े होश। एमएस बिट्टा मेरे साथ है, एमएस बिट्टा, ये भावना है, बताइए। पहले तो आज मैं ये कहना चाहूंगा पाकिस्तान वालों को, जो जवानों ने बहादुरी दिखाई, जिन्होंने मौत का कफन बांध करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये मौत का कफन बांध के गए थे, अगर कोई हादसा हो जाता तो जवाब अंदर मोदी को देना पड़ता। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे लिए पहले भी आज भी आगे भी प्रथम राष्ट्र रहेगा ना मेरी पार्टी, ना मेरा परिवार, ना मेरे माँ बाप, ना कुछ। पर जो जवानों ने बहादुरी दिखाई है और इतनी दलेरी के साथ के कैंपों को उड़ा दिया, 45 जवानों का बदला 300 नहीं 500 से ऊपर मार करके ले लिया, अरे बड़ा क्या हो सकता है। और याद रखिए, यह 1935 का भारत नहीं, इंदिरा गांधी के बाद अगर स्टेप उठाया है तो एक राजनीतिक विल है। और पाकिस्तान को कहना चाहूंगा, सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तुम मांग रहे बीबी बच्चों से बढ़कर, बीबी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो हमारी जानू है। मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानु है, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली, इसमें कोई दोरे नहीं है। मैं आप ये जो आज भाई साहब ने बोला, कांग्रेस प्रवक्ता बड़े सी लीडर हैं, हमें बिल्कुल जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ऑल पॉलिटिकल पार्टी, पंजाब में टेररिज्म ठीक हुआ, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, जब टूटने वाला था पंजाब हिंदुस्तान से, हमारी पॉलिटिकल विल थी, पॉलिटिकल विल के कारण 15 साल का टेररिज्म, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, एक साल में समाप्त करके वो मारा। और ये आज का दिन सबसे बड़ा बदला लिया गया है, कंधार की घटना, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, एक दिन के अंदर जयपुर के अंदर 120 बेगुनाह लोग मारे गए, उसका आज पाकिस्तान को जवाब दिया है। और ये पाकिस्तान पे हमला नहीं है, पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं, आज तो आतंकवादियों के अड्डे पे हमला था, दोबारा अगर कोशिश की तो हमला पाकिस्तान के अंदर होगा। जी, दोबारा अगर कोशिश की, और ये बात तो स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर पाकिस्तान ने रिएक्शन किया तो हिंदुस्तान का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होगा। जनता के मूड को भांप पा रहे हैं क्या? आपको पता नहीं, ने ये कह दिया, अपनी को खुली छूट दे, भाग जाओ खुली छूट दे दी, वंदे मातरम भारत माता है। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एक उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, जहां धनोआ साहब का एयर मार्शल का अजीत लाल, उसको पढ़िए, उसको सोचिए, जो 7 साल पाकिस्तान में रह के इतना बड़ा ऑफिसर, वर्ट की रेडी लगा के आपके लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए काम करता रहा, आज के दिन उसका भी सबसे बड़ा रोल है, उसको सलूट करना चाहिए। एनएसए अजीत डोवल की बात कर रहे थे।